अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आ गया आपका भाई कामरान शेख फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हमारे साथ है विकास खत्री और हम जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद और उसके बाद जाएंगे बल्ली मारान फतेहपुरी, वहाँ से हमें कुछ सामान लेना है। तो पहले कहा ये बताओ कि आप उदास हो? उदास आज लग रहे। आज एक तो बिना सहरी का रोजा है मेरा, ठीक है। दूसरी चीज, सुबह सहरी में पानी भी नहीं पिया, प्यास लग रही है बहुत गंदी वाली, गला पूरा सूखा पड़ा है, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली, अपनी दुकान से निकल चुके हैं और दुकान से निकलने के बाद अभी पहुंचते हैं, पहुंच के आपको दिखाते हैं सब क्या क्या होता है। 10 रुपए का पेट्रोल डाल देना। ₹10 का डाल दो। इसमें क्या क्या पड़ा तेरा? चिकन गिर गया। हमने पेट्रोल डलवा लिया है, भैया ने पेट्रोल डाल दिया है हमारी स्कूटी में, पैसे ले लेते हैं और चलते हैं। ओके जी भैया, थैंक यू। चलो तो फिलहाल पेट्रोल डल चुका है हमारी स्कूटी में और हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब डायरेक्ट रुकेगी हमारी स्कूटी, यहाँ तो ट्रैफिक हुआ वहाँ रुकेगी। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं, चांदनी चौक आ गए हैं और ये गुरुद्वारा है, ये रहा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बन चुका है और गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में यहाँ पे एक मस्जिद है, छोटी सी प्यारी सी, और गुरुद्वारा मस्जिद दोनों पास पास में हैं। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको सब। तो ये रहा हमारे साथ विकास, बाबू खत्री, बाबू खत्री अपनी तारीफ खुद से है ना। तो अभी हम चल रहे हैं, एक्चुअली मुझे यहाँ से थोड़े से फ्रेम्स एंड सनग्लासेस वगैरह लेने थे, तो यहाँ पे जानने वाले की शॉप्स हैं तो वहाँ से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है मुझे, तो मैं वहीं पे आया हूँ। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ। तो चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, चलते चलते। अरे भाई गोरा हो जा, हाँ हो जा गोरा, गोरा देखो HD आ रहा है ना तू एकदम। तो चल रहे हैं, तो मिलते हैं फिर। पीना है तो भाई बता दो कुछ, खाना पीना है तो फ़िलहाल हमारा तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हालत ख़राब हो चुकी थी। फ़िलहाल हम बैठ चुके हैं अब रिक्शे में, रिक्शा किया है तो भाई के रिक्शे में बैठे, भाई ने जाए इस पे से लिए हैं वरना सब 40 रुपये मांग रहे थे। इतनी सी दूर आधे रास्ते तो आए गए हम, पर यार अब हिम्मत नहीं हो रही थी, चला नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा यार विकास रिक्शा कर ले अब। अब रिक्शा किया है, रिक्शा करके अब हम फतेहपुरी पहुँच रहे हैं, फतेहपुरी पहुँच के शॉप पर मिलते, थोड़ा सुकून मिला है रिक्शे में बैठ के। ये आ गया बल्ली मारान मार्केट, यहाँ पे भी चश्मे की जूतों की शॉप है काफ़ी सारी बल्ली मारान में, बट हमें जाना फतेहपुरी, फतेहपुरी चलते हैं और मिलते हैं आपसे। ये बेटा है खत्री, खत्री एकदम सेट हो रखा है फुल सेफ्टी के साथ, ये रिक्शा हो गया मोटरसाइकिल, खत्री एकदम सेट हो चुका है फुल सेफ्टी के साथ है, खत्री पूरा सेट है इस टाइम भाई साहब, फुल सेट। तो फतेहपुरी पहुंच ही गए बस हम, तो पहुंच गए कपिश भाई की शॉप पे जा रहे हैं, वहां पे पहुंच के मिलते हैं। ये देखो साड़ी वाड़ी चाहिए किसी को ले लो आके, लहंगा ब्लाउज हो चुके हैं कपिश भाई के यहाँ। और जी भैया जी क्या हाल है, ठीक हो, पहचान लिया आपने? और भैया कैसे हो आप, क्या हो रहा है? बस चल रहा है। माल कौन कौन सा है भाई? माल बहुत है यार। है और फोन किया था मैंने बीच में, उठाया नहीं फोन। मुझे नहीं क्या होगा, दूसरे वाले भाई को क्या होगा, बड़े वाले को भी कह रहा था। पापा आएंगे एक दो दिन में, आ जा रहे, डेट हो गई कल, तुम आ चले गए पापा, वरना आ जाते पापा तुम्हारे पास। क्या डिमांड है दुकान के लिए, दिखा दो फिलहाल सही, दिखा दो दोनों तरीके का दिखा दो। मान लो मेटल, मेटल टाइप में दिखाओ पहले, हाँ दिखाओ पहले, दिखाओ कैसा है,
इसमें कलर बड़े प्यारे प्यारे यूनिक यूनिक कलर हैं। और शेप दिखाओ, ये तो फुल मेटल हो गया, थोड़ा बुजुर्ग टाइप का हो गया ये वाला, ये वाली शेप। पीस बड़ा प्यारा है भाई, ये पीस प्यारा है वाकई। नहीं क्वालिटी तो है, क्वालिटी में कोई वो थोड़ी ना कह रहे हम कि क्वालिटी नहीं है भाई, क्वालिटी तो है, क्वालिटी के ही पैसे होते हैं। तो गाइज हमने यहाँ से इसकी कॉल आ रही है, तो गाइज हमने फ्रेम वगैरह ले लिए हैं, अभी हमें एक जगह और जाना है, वहाँ से फ्रेम ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। फिलहाल हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 9:30 बज गए हैं और हम आ चुके हैं अपनी दुकान पे। ये रखा सारा माल, अभी माल देख रहे हैं हम कैसा कैसा माल आया हुआ है। बाकी ये चीज़ देखो आप गाइज, क्या पकड़िए विकास, पसंद ना आए तो पैसे वापस। चीज ऐसी बिल्कुल मक्खन मक्खन एकदम अजब गजब, ये देखा पीस देखो भाई, पैसे लेंगे तो चीज भी देंगे, साइज सी बात है, पैसे लेते हैं तो हम चीज क्वालिटी देते हैं कस्टमर को अपने, पूरी पूरी चीज ऐसी है। सनग्लास अगर लेने जाओगे कहीं पे आप तो 4-5 हज़ार से कम का नहीं है, ये मेरे यहाँ पे 2,000 रुपये 1500 का आराम, 1500 का दे देंगे आफ्टर डिस्काउंट, अगर मेरा नाम लेके आओगे तो। हाँ 1500 तेरा नाम लेके आएंगे तो, ठीक है। और भाई ये पीस देखिए आप, ये पीस तो बड़ा है, खतरनाक एंड है, जबरदस्त चीज है भाई, टाइम खराब करके आया भाई, 4-5 घंटे लग गए यार। ऑडी कार की जरूरत नहीं, चश्मा पहन के लेके जाओ, ऑडी से उतरा होगा। ये जरा हम पहन के दिखाएंगे ना, पीस मुझे बहुत प्यारा लगा है, ये फ्रंट से कुछ ऐसा है और साइड से इसकी स्टिक देखिए आप, एकदम एक नंबर है भाई साहब। ये मेरे नाम पे बना हुआ चश्मा है तो आप खरीद सकते हो विकास, अक्सर आप वीडियो में सुनते ही होंगे। एक ये है और सबसे लास्ट आएगा फिर ये हमारा कुछ स्टाइल समथिंग, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, एकदम बिल्कुल जबरदस्त फिनिशिंग है। अभी तो फिलहाल बाल वाल खराब हो रहे हैं, मैंने हेलमेट लगा रखा था तो चेहरे पे अच्छे नहीं लगे शायद तो, लेकिन फिर भी लग रहे हैं। एंड देखो कैसा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार, बाल खराब में भी अच्छा लग रहा है, मैं तो सोच रहा था खराब लगेगा पर बाल खराब चश्मा ही तगड़ा। अभी बस यही दिखाते हैं, बाकी हम देखते हैं, बाकी आपसे हम मिलते हैं। मजाक कर रहा नहीं, सही में मजाक नहीं कर रहा, या फिर आपके पापा है ना वहाँ पे होते हैं ना राजधानी में, राजधानी में हाँ, उन्हें बोलना रिपोर्ट ले लेंगे वो, ठीक है वहाँ पे करके मैं रिपोर्ट ले लूँगा। तो गाइस हमने अपनी शॉप क्लोज कर दी थी, शॉप क्लोज करने के बाद फिलहाल हम अब आ चुके हैं अपने घर के पास जागर नगर में, और यहाँ से निकलते हैं तो अभी हमें घर जाना है। फिलहाल एक तो ये भट्टे भट्टा सही से ना चल रहे, तो ये है जाकेट नगर की मार्केट। अभी फिलहाल 11 बजे तो आई थिंक इस वजह से सन्नाटा पड़ा हुआ है, अभी जब बंद होने का टाइम हो चुका है ना सबका, जल्दी पुलिस वाले जल्दी बंद करवा देते हैं आजकल। रौनक देखें आप,
अभी आ चुका है हमारे घर वाला रोड, और यहाँ तो माशाल्लाह रौनक ही रौनक है पूरी। इस टाइम फुल रश है। ये है कुरैशी कबाब विद ओखला, ना कि पुराने दिल्ली। यहाँ पे मतलब नॉन वेज वगैरह के आइटम ना बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, एकदम गजब। अभी हम जा रहे हैं घर। इसकी जो है ना रबड़ी फालूदा वगैरह बहुत फेमस है। ये शाहजी के यहाँ की मिठाई बहुत प्यारी है। ये जाकिर नगर की जामा मस्जिद है। तो हम पहुँच लिए हैं अपने घर। तो अब तो गाइस घर जाते जाते प्रोग्राम बन गया था, हम सेम भाई के आ गए घर पे, अभी नहीं गए। तो फैजान रोड में सेम भाई के आ गए, ऊपर एक दो दोस्त और आए हुए बैठे हुए पहले से। तो सेम भाई का फ़ोन आ रहा था कि भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो सेम भाई ने आज कुछ वादा कर रखा था स्पेशल, तो इसलिए आए हैं। तो अभी ऊपर पहुँचते हैं, फिर करते हैं बात। तो हम थे सेम भाई के पास, सेम भाई से तो मिल ही लिए थे। अभी आ चुके हैं शाकिर भाई हमारे, तो शाकिर भाई से भी मिल लो। फिलहाल बैठे हुए गुड 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 कर रहे हैं सेम भाई हमारे। ये बैठे हमारे शाकिर भाई। चैनल ये लो पियो। तो अभी हम हुक्का पी लेते हैं, हुक्का हुक्का पी के फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये छोटा सा कुछ सामान आया हुआ है, तो छोटे से ही शुरुआत करते हैं अभी। हैं? तो ये देख ही लिया होगा आपने क्या है। यहाँ बना रहे हैं सेम भाई, क्या बना रहे हैं सेम भाई? कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं सेम भाई, ये देख सकते हो आप। ये भी मेन, ये तो अभी है नॉर्मली टिप्स, मेन टिप्स जो है वो हम नहीं दिखाएंगे हैं सेम भाई। हाँ वो तो वो हमें नहीं बताते, वो अभी बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब है मेन टिप्स जो है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो हम आएंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं जब भी पीनी हो यहीं पर आओ हमारे पास। इसमें डल रही है कॉफी। चलो बना लो जा रहा, मजाक छट के देख लो। बंदे भाई बड़े बदतमीज हैं, किसी के सामने नहीं बनाते ये मेन ट्रिक जो है, ना ही बताते। मेड भाई सेम भाई, भाई सब बनाए नहीं, गलत बातें ना ही बताई। ये देखो भाई कोल्ड कॉफी। और तुम्हारा क्या हो गया शाकिर भाई? उठा पूरी ट्रे, ये पकड़ लो। सेम भाई रख रहे हैं कोई। गाइस हमने हुक्का भी पी लिया और मुलाकात भी कर ली सेम भाई से। तो शाकिर भाई भी फिलहाल जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं, और शाकिर चलते हैं हम। तो सेम भाई आए, शाकिर भाई तो नीचे चल रहे हैं, आओ।